स्प्लिट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास स्मार्ट वॉलेट ऐप का नवीनतम वर्जन है, और यदि नहीं तो ऐप को अपडेट करें। ऐसा करने के लिए एप्लीकेशन स्टोर पर जाएं, सर्च बार में स्मार्ट वॉलेट दर्ज करें और अपडेट बटन पर क्लिक करें। यह भी ध्यान रखें कि प्राइज प्राप्त करने के लिए आपका वॉलेट एक्टिव होना चाहिए। एक्टिवेट करने के लिए आपके पास अपने बैलेंस पर स्मार्ट कॉइन होने चाहिए। एक्टिवेशन के लिए एक कॉइन पर्याप्त है। हालांकि एक सफल स्प्लिट के लिए हम स्मार्ट कॉइन की पर्याप्त आपूर्ति की सलाह देते हैं, क्योंकि वे स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। इसलिए अपने ऐप को अपडेट करना सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करें कि आपके बैलेंस में स्मार्ट कॉइन है, और अपना वॉलेट खोलें। स्प्लिट पर क्लिक करें। आपकी बैलेंस राशि और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ एक स्क्रीन खुलेगी। स्प्लिटिंग में भाग लेने के लिए स्प्लिटिंग बटन पर क्लिक करें। यह आपके बैलेंस के ठीक नीचे स्थित है। हम तुरंत आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि स्प्लिटिंग के लिए बैलेंस राशि पर स्मार्ट कॉइन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के निष्पादन के लिए भुगतान करना आवश्यक है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्मार्ट कॉइन नहीं है, तो आपसे अपना बैलेंस टॉप अप करने के लिए कहा जाएगा। यदि बैलेंस राशि पर पर्याप्त कॉइन उपलब्ध हैं, तो वर्तमान स्प्लिटिंग स्टेटस के बारे में जानकारी के साथ एक विंडो खुलेगी। खुलने वाली स्क्रीन पर आपको निम्नलिखित जानकारी तक पहुंच प्राप्त होगी। माई स्प्लिट्स, आपके बैलेंस पर स्प्लिट टोकन की संख्या। टोटल सप्लाई स्प्लिट्स, ब्लॉकचेन में स्प्लिट टोकन की टोटल संख्या। डेली रिवॉर्ड, स्प्लिट होल्डर्स के बीच स्प्लिट अल्टीमा टोकन की दैनिक संख्या। करंट ब्लॉक, ब्लॉकचेन में वर्तमान ब्लॉक दिखाता है। फाइनल ब्लॉक, वर्तमान हाल्विंग पीरियड के लिए अंतिम ब्लॉक दिखाता है। माई एस्टिमेटेड रिवॉर्ड, स्प्लिट में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए इनाम का अनुमानित मूल्य। कृपया ध्यान दें कि यदि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अपने एड्रेस पर टोकन प्राप्त हुए हैं, तो आप इनाम का दावा नहीं कर पाएंगे। ये जानने के लिए कि कौन से टोकन स्प्लिटिंग के लिए तैयार हैं, माई स्प्लिट्स पर क्लिक करके स्प्लिट डिटेल सेक्शन पर जाएं। आप देखेंगे कि कौन से टोकन प्राइज प्राप्त करने के लिए तैयार हैं और कौन से नहीं। बेशक आप इनाम का दावा कर सकते हैं, लेकिन यह केवल उन्हीं स्प्लिट्स को दिया जाएगा जो 24 घंटे से ज्यादा पुराने हैं। वहीं इनाम का दावा करने के बाद सभी स्प्लिट टोकन की आयु रीसेट कर दी जाएगी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सभी टोकन तैयार हैं, स्क्रीन के ऊपरी बाएं भाग में एरो पर क्लिक करके स्प्लिटिंग सेक्शन पर लौटें और ब्लॉकचेन से रिवॉर्ड का अनुरोध करने के लिए क्लेम रिवॉर्ड बटन पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण स्क्रीन दिखाई देगी। कृपया स्मार्ट में कमीशन के बारे में चेतावनी पर ध्यान दें। यह 100 स्मार्ट तक पहुंच सकता है। यदि आपके बैलेंस में कम स्मार्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी ऊर्जा की कमी के कारण आपके रिवॉर्ड के दावे को ब्लॉकचेन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम आपके स्मार्ट बैलेंस को रिजर्व से फिर से डिपॉजिट करने की सलाह देते हैं। इसीलिए सुनिश्चित करें कि आपके वॉलेट में पर्याप्त स्मार्ट कॉइन है। यह पुष्टि करने वाले बॉक्स को चेक करें कि आप प्रोडक्ट के उपयोग की शर्तों से सहमत हैं, और कंफर्म बटन पर क्लिक करें। तैयार है, आपने सफलतापूर्वक अपने रिवॉर्ड का दावा कर लिया है। आपको बस ओके बटन पर क्लिक करना है और अल्टीमा टोकन स्क्रीन खुल जाएगी। वहां आप अपना रिवॉर्ड देख सकते हैं। हमारे गाइड के आखिरी में हम आपका ध्यान उन नियमों की ओर आकर्षित करते हैं जो आपको प्रोडक्ट के साथ काम करते समय जानना चाहिए। स्प्लिट टोकन का कोई भी आउटगोइंग ट्रांजैक्शन, भले ही वह 1000 में एक हो, सभी टोकन की आयु रीसेट कर देता है। यदि आपके वॉलेट में अलग अलग समय पर आने वाले स्प्लिट टोकन हैं, तो वे अलग अलग समय पर आपका रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। स्प्लिट टोकन के लिए न्यूनतम आयु 24 घंटे है। इसलिए यदि आप इनाम का दावा करते हैं और आपके पास ऐसे टोकन हैं जो इसके लिए तैयार नहीं है, वे 24 घंटे से कम पुराने हैं, तो उन्हें उन लोगों के साथ रीसेट कर दिया जाएगा जो प्राइज प्राप्त करने के पात्र हैं। यदि आपके कोई सवाल हैं, तो कृपया सपोर्ट से संपर्क करें और हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी।